गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस आप माइलो को जो स्क्रीन में देख सकते हैं और आपको तो पता ही होगा कि है आज है सैटरडे और परसों है बकरा ईद। और आपको और बकरा ईद हो या कोई भी ईद हो, मैं ईद से पहले अपने अपने माइलो को ज़रूर नहलाती हूँ। और इसकी शक्ल देखें, ऐसे लग रहा है बिल्कुल ही शौक हो चुका है और उसको पता चल गया मुझे नहलाने लगे। साथ साथ मेरी नानों की कैट भी, मेरे मामू ने कैट भी लिया और उनको उसका कुछ करना नहीं आता, उन्होंने चीज़ें ली हैं बस उनकी। तो उन्होंने उनकी कैट को भी मैंने ही नहलाना और ग्रूम करना है, इसको बाहर देखना है। अब जल्दी से इसको ग्रूम करते हैं और आगे चलते हैं, इसके पॉज वगैरह कट करेंगे और इसको नहलाना वाना है। लेट्स गो। बाबा माइलो आ जाओ। गाइस मैंने इसको बड़े मुश्किलों से पकड़ लिया, इसका रूम भी पूरा बिखरा हुआ है। और गाइस अब इसके कटिंग करेंगे पॉज की। ये जो है ना गाइस, इसके पॉज के सारे बाल जो हैं कटिंग होंगे, इस गद्दे बच्चे के कान साफ होंगे। गाइस इसके पॉज के नेल्स काटने के बाद मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। गाइस इसको मैं इधर से कट करूँगी अब सारे पैरों को इस तरीके से, ताकि इसकी स्किन थोड़ी अंदर से ऐसे अच्छे से नजर आए। सो इसकी मैं ये कुछ काटने के बाद आपसे मिलती हूँ, उसके बाद हम नेल्स काटेंगे। मेरे बच्चे के आगे के दोनों पाँव की कटिंग हो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हम इस रूम की जो क्लीनिंग हो रही थी ना, इसलिए हम आके बैठ के इस बेडरेस पे और मैं बड़ी मुश्किल से इसकी ग्रूमिंग कर रही हूँ गंदे बच्चे की। अब इसके दोनों फुट के रह गए हैं, पूरा कमरा बिखरा हुआ है। मुझे पता है बहुत बुरा लग रहा होगा कमरा, इसलिए मैं इन दोनों को भी करके मैं आपके पास आती हूँ। गाइस इस गंदे बच्चे की पॉश की कटिंग होगी, आप देखें इधर को जा रहे हैं, मुझे जाने दो। अभी इसके नेल्स कट करते हैं फिर काम बाकी करते हैं, क्योंकि मैं नाइट शूट पहना, मुझे बहुत गर्मी लगी है, मैं जाके नाश्ता भी करना है। यू 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 गाइस ये नेल्स देख रहे हैं माइलो के, मेरे नहीं, देखे कितने बड़े हो चुके हैं। इनकी कटिंग होएगी पिंक डॉट से पहले तक। गाइस मैं जल्दी से इसकी कटिंग करके आऊँ फिर, क्योंकि बहुत तंग कर रहा है मुझे, मुझे आ रहा है इसको भी और मुझे भी गर्मी लग रही है ना। ऊपर आई हुई, ऊपर मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है, एसी नहीं ऑन होता क्योंकि ऊपर एसी नहीं लगा हुआ और नीचे एसी लगा, मुझे एसी में जाना है और इसको भी जाना है। गाइस इस बंदे गंदे बच्चे की नेल्स भी कट हो चुके हैं, अभी ऐसे बैठा जैसे पता नहीं मैं इसको क्या करी। ओ माय गॉड। अब इसकी हम नोज़ और आइज़ वगैरह क्लीन करेंगे वाइप्स और उसके बाद इसके कान को क्लीन करेंगे, उसके बाद आप उसके बाद हमारा काम होगा। सॉरी अगर कैमरे में थोड़ा ख़राब वीडियो बने, क्योंकि आपको तो मुझे इसको इधर से हैंडल करना और आपको दिखाना भी है मैं कर कैसे रही हूँ। तो इसकी आँखों को इस तरीके से ना स्वाब से इस तरीके से साफ कर लेना है, उसको अंदर से भी इस तरीके से हील करना है इस तरीके से, ताकि आँख पे दर्द ना आए। नोज़ भी इसकी इसी तरीके से साफ करनी है अंदर से, पर एक नोज़ को खुले रहने देना पहले, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ उसकी क्लीन करने के बाद। जब इसके अंदर हम बताए क्या करेंगे, हम इसके अंदर ना उंगली के ऊपर ना ये वाइप्स लपेट के ना इस तरीके से वाइप्स को इस तरीके से लपेट कर इसकी कान के अंदर हल्का सा मारेंगे, अंदर नहीं घुसा देना, इसको हल्का सा ऐसे ऐसे करेंगे और फिर इसके कान साफ करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कान किस तरह का साफ हुआ है। और गाइस इस तरीके से क्लीन करना है, अंदर नहीं लेके जाना मना, दर्द है कि इसी तरह दोनों कान साफ करके मैं आपके पास आती हूँ बस। सो गाइस थोड़े से ब्रेक के बाद माइलो आपसे मिलता है नहाने के लिए, अब इसको थोड़ा रेस्ट देते हैं और ख़ुद भी थोड़ा रेस्ट लेते हैं। और ये सब कुछ इसका चीज़ें हैं और ये सारा कमरा इसका बिखरा हुआ है पूरे तरीके से। बस थोड़ी देर बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ, ये देखेंगे सारा गंद वगैरह और ये माइलो की वॉल, मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। हमारे माइलो ने हमारे नहाना था, जो हमने लाते हैं इसको वॉशरूम में अपने या तो अपने लॉन्ड्री में, अभी लॉन्ड्री में लेजेट है मैं तो नहीं जा रही उधर, और वॉशरूम में मेरी बहन नहा रही है अभी। तो अभी हम जल्दी से इसको नहला देते हैं फिर आपके पास मिलते हैं, जल्दी से मैं इसको रेडी करती हूँ और मोबाइल की चार्जिंग भी खत्म हो रही है। गाइस टारा टारा, ये देखो गंदे बच्चे ने नहा लिया है, ये तो गंदा बच्चा लग रहा है, फिर इसके ऊपर दोबारा एक दफ़ा पानी डालते हैं, पानी डाल देते हैं उसका दोबारा। अब मैंने सबसे साबुन से इसको धोया है, इसके अपने शैम्पू से,
अब आइस पे जब मैं मुंह पे पानी डाल दिया ना, तो मैं अच्छे से इसको अच्छे से क्लीन भी करती हूँ आइस को और मुंह को, कि आँखों में पानी ना जाए और नाक में भी पानी ना जाए। पता है किस तरीके से, ऐसे और इस दोनों चीज़ों को ऐसे इस करके क्लीन करती हूँ। अब मैं कैमरा बंद कर रही हूँ, जब मैं लपेटूँगी तो मैं आपके पास आऊँगी ड्राई करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने मुँह दोबारा एक दफ़ा धोना है इसका। भाई ये देखें पूरा इसमें, इसकी वजह से पूरा सहन तबाह हो गया है। देखें देखें पूरा घर बिखरा हुआ था, इसकी ग्रूमिंग चल रही थी। हेलो, मैं इसको टॉवल दे के आती हूँ उनके पास अंदर। अब मैं सीधा कैमरा अंदर ही खोलूँगी। ये देखें इसको ड्राई करने के बाद आपके पास गई, इसको मैं इसी तरह ड्राई कर दूँगी। आई थिंक सो इसी तरह हो जाएगा, क्योंकि इसकी पिछली दफ़ा भी मैंने जब मैंने लाते हैं, वैसे तो मामा नहीं लाते, तो इसी तरह हो गया था क्योंकि उसकी हेयर कट करवाए थे। तो अभी देखती हूँ होता है कि नहीं होता, गंदा बच्चा बारिश ने पीपी कर दी है, ऊपर क्यों चढ़ रहा है। ड्राई करने के बाद आती हूँ मैं। गाइस मैं अब इसको हेयर ड्राई कर रही हूँ और पूरी बॉडी पे करूँगी। और सर्दियों में ख़ास ध्यान रखिएगा कि आपने अपनी कैट को हेयर ड्रायर ही करना चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि इससे आपकी कैट को कोई भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि वो सर्दियाँ सर्दियाँ होती हैं। और गर्मियों में भी आपने इसको धूप में नहीं छोड़ना है, अगर ये नहीं ड्राई हो रहा है ज़्यादा जल्दी तो आपने इसको धूप में नहीं रखना, आपने इसको हेयर ड्रायर करना है और ऊपर फ़ैन ऑन कर देना। गर्मियों की बात करी, गर्मियों में आपने ये करना है कि ऊपर फ़ैन ऑन कर लेना और इसको हेयर ड्राई करना है। अगर ड्राई नहीं हो रहा तो फ़ैन ऑन तब कीजिएगा जब इस तरह का ड्राई हो गया। मैंने फ़ैन ऑन कर लिया, अब इसको दोबारा मैं ड्राई करूँगी और उसके बाद हेयर ड्रायर से ड्राई करूँगी। और सर्दियों में तो मस्त है, चाहे जो मर्जी हो जाए फ़ैन बिल्कुल ही ऑन करना, हेयर ड्राई लाजमी करना, और हीटर के सामने ही रख के हेयर ड्राई कीजिएगा या फिर ही गर्म कमरे में हेयर ड्राई करना, क्योंकि ये बहुत नाजुक बीबी होते हैं मेरे हिसाब से, इनका हमारे अलावा कोई भी नहीं होता है, क्योंकि कोर्स के इतना ही इनके माँ बाप होते हैं मतलब के, इसलिए। और वैसे मैंने अपनी बहन का फ़ोन पकड़ा हुआ है और मुझे जल्दी से व्लॉग करना है, मतलब ये वीडियो बनानी है जल्दी से मैं इसको ड्राई करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ और आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। हेलो गाइस, देखिए हमारा कुकू कितना बार रेडी हो चुका है, मतलब अच्छे से क्लीन श्लीन हो गया, साफ सुथरा हो गया। इसको पॉज भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं दोबारा से मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, ये भी रेडी हो चुका है। ये गंदा बच्चा कह रहा है छोड़ दो, मुझे पहले भी बहुत जोर देर से पकड़ा, इसको तो ऐसी ट्रीट खिलाते हैं, इसको बता वीडियो एंड करते हैं। इतना प्यारा लग रहा है, इतना कुछ बहुत प्यारी आ रही है। इसका लिटर भी क्लीन करने वाला है, मुझे बुला रहे थे लिटर क्लीन करो इसका। गाइस मैं बता रही थी कि कल परसों है ईद और उस ब्लॉग के लिए तैयार रहना, और वो मैं ले आऊँगी ईद के, ईद या तो ईद वाले दिन ही, मुश्किल होता है पर इंशाल्लाह आ जाओ। बाय बाय।